व्हाट्सएप एवरीबडी, वेलकम टू दी चैनल। एक और नई वीडियो में तुम सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वाली वीडियो में फिर से डीसीएम भाई की गेम प्लेयर लेके आ चुका हूँ। एंड यहाँ पर आप तुम करंट रैंकिंग देख सकते हो, 74 पर चल रहा है, मतलब तुम्हें टॉप 100 में डीसीएम भाई देखने को मिलेंगे और 14,000 के ऊपर स्कोर हो चुका है। और अगर मैं बात करता हूँ भाई टॉप 1 किल्स में, तो यहाँ पर देख सकते हो टॉप 1 पर डीसीएम भाई चल रहे हैं रीजन के ऊपर 3163 किल के साथ, मतलब कि पूरी 1000 की लीड चल रही है सेकंड वाले बंदे से। तो अभी तक तो भाई टॉप 1 पर चल रहे हैं किल्स में। विंस में बात करें तो टॉप 2 में चल रहे हैं, जो कि थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, बट हाँ जल्दी टॉप 1 भी करने का ट्राई फुल चल रहा है। डीसीएम भाई गेम पे लगातार कर पा रहे हैं, बट यहाँ पर वीडियो नहीं बना पा रहे, जैसे कि आपको पता ही होगा उनका अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, बट हाँ जल्दी वो वीडियो भी डालेंगे। वीडियो के अंदर जो तुम गेम प्ले देखोगे वो डीसीएम भाई के होने वाले हैं। सो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। वेल तो यहाँ पर डीसीएम भाई बस्ते बजाते जोन से आ जाते हैं जैसे तैसे। और यहाँ पर एक बार तुम बंदे देखो यार, 20 बंदे अलाइव है। एंड देखो ये जो कौन आप पकड़ने का ट्राई भी कर रहे होंगे, तो यहाँ पर भी वॉल लगी है, मतलब जिधर जाओगे ना भाई वहीं आपको बंदे देखने को मिलने वाले हैं। देखो इतने सारे बंदे में कोई भी गाड़ी तोड़ के आराम से थर्ड पार्टी लेके मार सकता है, तो यहाँ पर डीसीएम भाई को सर्वाइव करना पड़ेगा किसी घर पे भी। और मुझे लग ही रहा था तो यहाँ पर इस वाले घर में आ जाते हैं, यहाँ से भाई आराम से ठीक ठाक पोजीशन निकल जाएगी। तो यहाँ पर आ चुके इस वाले घर में, एंड शायद बंदा भी हो सकता है ऊपर। ओके तो बंदा सामने बैठा था, बट पता नहीं है ये ट्रोगन से क्यों नहीं मार पाया। देखो सोनिया बनने के बाद में इसने डैमेज दिया भाई, डीसीएम भाई सीढ़ी से ऊपर आ गया, ये डैमेज ही नहीं कर पाया। बट भाई उसने जितनी भी गोली मारी ना, आधी हेल्थ करके चला गया वो बंदा। मतलब ट्रोगन का तुम देख रहे हो डैमेज कितना अलग लेवल का आता है। तो फाइनली इसको तो विजोन से जैसे तैसे फिनिश करके 4 किल कंप्लीट कर लिए हैं। अभी डीसीएम भाई के साथ पूरा परमानेंट कवर है इस वाले घर में, तो यहीं पर जब तक जोन श्रिंक नहीं होता, उनके पास नहीं आता, यहीं पर सर्वाइव करेंगे। बिकॉज आपको पता है लास्ट जोन में अगर सर्वाइव नहीं करोगे, बंदों को मरने नहीं दोगे, तो आपका बुजिया निकलने में आपको थोड़ी दिक्कत जा सकती है। तो लास्ट में हमेशा थोड़े बंदों को मरने दिया करो, जितना हो सके पोजीशन निकालो यार। टॉप 3 टॉप 4 में आके भी फाइट करोगे तो अच्छा रहेगा, बुजिया निकालने के आप काफी ज्यादा करीब हो सकते हो। तो यहाँ पर तो बस अभी बंदे को देखे जा रहे हैं कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं। एंड जैसे ही जोन थोड़ा पास में आता है भाई, सामने एक गाड़ी वाला बंदा रहता है, तो डीसीएम भाई ने उसकी गाड़ी पूरी तोड़ देते हैं। एंड यहाँ पर देखो उसको उतरने के बाद भी अच्छा खासा डैमेज दिया। ओके तो बंदा यहाँ पर भाग रहा है, एंड उसको शायद किसी और ने मार दिया क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ शायद इसको किसी और ने मार दिया यार। देखो वहाँ पर एक और लूट बॉक्स है, एंड ये उसका ड्रेस नहीं था। तो उसको फिनिश करके 5 किल यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। एंड अभी जोन आ रहा है, तो डीसीएम भाई को ऑब्वियसली बात है जोन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ से जो है जोन में जा रहे हैं, बट बंदों को चेक भी कर रहे हैं भाई, बिकॉज यार इतने छोटे जोन में काफी ज्यादा कैंपर्स हो सकते हैं। 7-8 बंदे अगर अलाइव है ना इतने छोटे जोन में, तो भाई कहीं पर भी ऐसा भाई मान के चलो कि तुम्हारे सामने बंदा है, ठीक है। यहाँ पर एक बंदा ही कैंप कर रहा है, और छोटे लॉन्च पैड के कारण कहीं पर भी बंदे कैंप कर रहे हैं यार, चढ़ जाते हैं कहीं पर भी, जिससे थोड़ा एडवांटेज भी हो जाता है उनको और हमको हो जाता है थोड़ा डिसएडवांटेज। तो यहाँ पर देख सकते हो जोन के एकदम पास में खेल रहे हैं, पूरा बीच में नहीं गए। अब यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, बंदों को सीधा मरने देंगे। और जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ यार, डीसीएम भाई का ये स्ट्रेटेजी मेरे को काफी अच्छा लगता है। और अभी फिलहाल में यहाँ पर जो खड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा सोच रहा होगा कि यहाँ पर भी कोई बंदा होगा। जैसे कि देख सकते हो ऊपर वाला बंदा डैमेज हुआ, एंड वो बोनफायर लगा के हील करने लगा। बट यहाँ पर डीसीएम भाई अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, बंदों का एक मौका देना चाह रहे हैं कि वो कुछ दें और इससे वो मार दे। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी वो एकदम मेरे हिसाब से ट्रोगन का लॉन्चर मारेंगे या सीधा रश कर देंगे। लेकिन यहाँ पर तो यार बंदे ने इसकी पोजीशन देख लिया, एंड डीसीएम भाई तुरंत से जो है अंदर भाग जाते हैं। और देख रहे थे कूदेगा तो नहीं, बट ये नहीं कूदा, और वापस से ओ भाई इस बंदे को किसी और ने मार दिया। तो भाई देखो रश भी नहीं करोगे ना, तो भी कोई ना कोई बंदा ऐसे आपकी थर्ड पार्टी ले सकता है। तो भाई कोई एक परमानेंट कवर देखो, जहां पर यार 3-sided कवर तो हो, एटलीस्ट एक जगह हो जहां से आप सब बंदों को देख सको। तो वही चीज हुई यार, ये ऊपर से इनको मारने का ट्राई कर रहा था, बट कोई और ही बंदा यहाँ पर किल ले गया। एंड टॉप 4 यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर तुम देख रहे हो भाई की कहाँ पर 20 बंदे लाइव थे थोड़े से छोटे जोन में, इससे थोड़ा बड़ा था मतलब, एंड कहाँ पर भाई टॉप 4 आ चुका है। तो यही चीज कुछ है यार जो गेम प्ले को अलग बनाती है। वेल यहाँ पर अब बंदों को सिर्फ ऑब्जर्व किया जा रहा है, बंदों की पोजीशन देखने का ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि हमेशा होता है, आप हर वीडियो में देखते आ रहे हो। सो हाँ यार यहाँ पर बस अभी खड़े होकर देख रहे हैं बंदों को कहाँ पर तो हो सकते हैं। अब भाई डीसीएमआई नीचे आ जाते हैं, मुझे लगता है कि डीसीएमआई हार्ड लॉबी के चक्कर में ना यूएवी खरीदना भूल गए हैं, या फिर एक खरीदा भी होगा फ्री वाला तो वो यूज कर लिया होगा, बिकॉज अभी तक यार वो यूएवी छोड़ देते हैं। वेल सामने एक बंदा है शायद से, जिसको डीसीएमआई की पोजीशन नहीं पता, या फिर पता है मेरे को आइडिया नहीं। ओके तो नहीं पता थी, एंड सीधा बंदा आता है और आराम से 3 गोली में खत्म।
और भाई देखो वो सोनिया के कारण जैसे मैं पहले ही बोलता हूँ डैमेज भी मिलता है, तो या तो उसको मारा करो अगर मार पाओ सोनिया बनने के बाद भी, या फिर भाई रहने दिया करो। भाई यहाँ पर डीसीएम भाई क्लू छोड़ देते हैं और भाई दो बंदे अलाइव। भाई इन दोनों का थर्ड पार्टी लेने के बाद में डीसीएम भाई 9 किल के साथ इस गेम को बुइया कर लेते हैं एंड लास्ट में जो ही तो इनका सैंडविच हुआ, मतलब अलग ही लेवल का। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम प्ले। इस वाले गेम प्ले में भी यार काफी अच्छा जोन आ रहा है और देख सकते हो रिम नाम के साइड यहाँ पर जोन बना हुआ है और अभी 14 बंदे अलाइव है। और जैसे कि मुझे पता है हर बार की तरह बंदे एकदम लास्ट में फाइट कर रहे, देख सकते हो आपको फायरिंग दिख रहा होगा जोन की तरफ, मतलब बंदे कैंप भी करते हैं यार और उसी जगह पर फाइट भी करते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप एक परमानेंट घर ले लो जिसमें कि 4-sided आपको कवर भी मिलता हो, साथ में आप बंदों को ऑब्जर्व भी कर सकते हो। बस आपको फाइट नहीं लेना है, आपको होल्ड ही करना है। तो यहाँ पर डीसीएम भाई लेकिन जाते हैं नीचे की तरफ बिकॉज यहाँ से हेड मारना काफी आसान होगा। देखो जाते से ही एक किल ले लिया यहाँ पर, तो नीचे वाले बंदे को मारना काफी आसान हो जाता है कभी कभार। तो इस तरीके का अगर जोन बनता है तो आप ऐसा कुछ भी कर सकते हो, बट हाँ आपको थोड़ा भाई सतर्क रह के खेलना ही पड़ेगा अगर ज्यादा बंदे बचे रहे तो। अभी एक और फायरिंग आ रहा है सामने से, तो ओके तो सामने ही बंदा है इसको मार रहा है, काफी अच्छा क्लोजर का डैमेज आ रहा है और भाई इतना ज्यादा डैमेज 43 का लिटरली, मतलब मारो के कारण ना डैमेज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मैं जैसे हर वीडियो में भी बोलता हूँ यहाँ पर देख सकते हो 30 का डैमेज आ रहा है एंड बंदा भी जोन में ही है। अब देखो डीसीएम भाई बार बार इस तरफ इसलिए देखते हैं कि जब हम नीचे फाइट करते हैं ना तो हमेशा भाई 101% सामने साइड से भी बंदा आ जाता है, तो यार हर तरफ देखना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी वापस घर में आ जाते हैं, अभी तो मेरे हिसाब से जोन ही पकड़ेंगे बिकॉज यार देखो जोन काफी ज्यादा डैमेज करता है। तो यहाँ पर आगे आ चुके हैं और भाई सामने की तरफ मेरे हिसाब से बंदा आया, ओके आया और बंदा कूद गया और पता नहीं यहाँ आके ये क्या ही कर रहा था। पहले यहाँ पर तो खैर इसको डाउन कर देते हैं डीसीएम भाई एंड डाउन करने के बाद इसको फिनिश कर देते हैं, हॉर्स लाइन होगा उसके पास तो। बट बंदा यार गाड़ी से उतर के यहीं क्यों उतरा मेरे को समझ नहीं आया। मेरे को लगता है डैमेज हुआ होगा किसी से एंड यहाँ पर आके हील कर रहा होगा या इसी घर में कैम्प करने आ रहा होगा मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक लगता है। तो यहाँ पर तो भाई 5 किल कंप्लीट है, 5 बंदे टोटल अलाइव है इनको मिला के। तो लेट्स सी क्या होता है और गेम काफी ज्यादा क्यूरियस होता जाता है यार जैसे जैसे लास्ट जोन आता है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना जरूर से एंड जैसे मैं बोल रहा था कि डीसीएम भाई यहीं पर होल्ड करने लगेंगे और यहीं से बंदों को ऑब्जर्व करके जो ही पेल रहे बिकॉज मारो है और ग्रोजा एक्स है जिसका आर्मर पेनिट्रेशन नेक्स्ट लेवल है। 4 की लेवल वाले वेस्ट बंदे को ना भाई 30 तक का डैमेज दे देती है एक बार में। अब जो इस गेम में इनके पास यूएवी थे तो यहाँ पर यूएवी छोड़ देते हैं एंड मुझे नहीं लगता भाई इस साइड पर कोई बंदा होगा बिकॉज मेरे को लग रहा है यहाँ पर कोई बंदा नहीं हो सकता एंड अभी यूएवी तो छोड़ा है, देखते हैं कितने बंदों की पोजीशन पता चलती है। अभी टोटल 2 बंदे अलाइव इनको छोड़ के, तो इस साइड देखो कोई भी नहीं है एंड इस साइड पर यूएवी देखते हैं, ओके तो एक बंदे की पोजीशन दिख चुकी है लेफ्ट साइड में एंड तो सामने बंदा रहा और भाई जो ही तो इसको डैमेज करा है लिटरली ग्रोजा हैक से। यहाँ पर भाई मारा इन्होंने RG50 और एकदम एक्यूरेट मारा यार देख सकते हो ये भाई, और सोनिया बना दिया उसको डाउन हो जाएगा। यहाँ पर यार देखो RG50 की एक्यूरेसी देखो भाई इतना अच्छा मार रहे हैं कि देखो अभी तुमको डैमेज भी देखने को मिलेगा और दूसरे में डाउन ही कर दिया है। तो भाई कुछ कुछ चीज़ें जिसमें मजा आ जाता है यार गेम प्ले देख के, लिटरली बता रहा हूँ इनके। तो यहाँ पर देख सकते हो वो वाला बंदा डाउन होकर फिर से रिवाइव हो जाएगा एंड अभी तो लॉन्चर का एमओ भी खत्म हो गया होगा डीसीएम भाई का, बट यार वो बंदा कहीं ना कहीं जोन से पीछे है और एक और एमओ, भाई कितना एमओ लग के रखा है यार, 3 एमओ यहाँ पर फिर मार दिया एंड फिर से देख लो भाई, भाई क्या बोलूं मैं, यहाँ पर तुम देख रहे हो तीनों मारा, तीनों एकदम परफेक्ट और एक्यूरेट समझ रहे हो। और भाई यहाँ पर दूसरा बंदा आ चुका है सामने एंड ये भाई काफी अच्छा बंदा यार, मूवमेंट देखो इसकी, ओके तो डीसीएम भाई यहाँ पर इनर मार रहे हैं, थोड़ा सा डीसीएम भाई मूवमेंट में रह जाते हैं बट भाई भैया भी करते ही है। यहाँ पर मार रहे हैं सुपर मेडकिट, तो देखना होगा क्या होता है। लास्ट का बंदा बचा हुआ है और एकदम ही भाई बंदा इतना अच्छा मूवमेंट दिखा के रश कर रहा है देख सकते हो यहाँ पर। तो डीसीएम भाई यहाँ पर थोड़ा सा फंस तो रहे हैं, अभी यहाँ पर पैक है और सामने वाला बंदा यहाँ पर बॉल तोड़ने का ट्राई कर रहा है। डीसीएम भाई निकल चुके हैं, एक गोली, दो गोली, तीन गोली, भाई 4 गोली भर चुके हैं। यहाँ पर ग्रोजा से जहाँ बना दिया इसको सोनिया और भाई लास्ट में आके हेड मार के ले गया इस गेम को भैया। तो ये वाले गेम में ना मेरे को सबसे अच्छा लगा कि डीसीएम भाई का मूवमेंट नहीं है बट फिर भी यार बंदों को मारने का दम तो भाई रखते हैं भाई अलग ही लेवल। तो यार आ चुके अगले वाले गेम पर, यहाँ पर तो डीसीएम भाई का टॉप 10 हो चुका था और यहाँ पर भी जोन से बचते बचाते हुए गाड़ी से भाग के आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भाई गाड़ी से एक फायदा है कि आप तुरंत से जोन पकड़ सकते हो कहीं पर भी रहता है। और देखो जैसे ही उतरे, जैसे मैंने फर्स्ट वाले गेम में कहा था कि गाड़ी फूटती है ना तो भाई थर्ड पार्टी होती है, और गाड़ी से उतरते हैं तो भी थर्ड पार्टी होती है। तो भाई हमेशा ध्यान में रखो जब भी गाड़ी से उतरो या गाड़ी लो तो भाई ऐसे जहाँ पर उतरना जहाँ पर यार आपको मतलब कवर भी मिल जाए तुरंत से एंड आप बच जाओ भाई, बिकॉज आप एट दी एंड लास्ट जोन तक सर्वाइव करे हो, पूरा गेम निकाल लिए हो, टाइम भी जाएगा अगर आप मर जाते हो तो। यहाँ पर एक बंदा होता है एंड भाई मैं ग्रोजा को क्या बोलूँ यार, इतना डैमेज भाई
मतलब अलग ही लेवल का यार डैमेज करती है ग्रोजा। एंड यहाँ पर आ चुके हैं, अब देखो ग्रोजा एक्स हो या ग्रोजा भाई दोनों तगड़ा डैमेज करती है, तो पिंक वाली जो वेंडिंग मशीन है उससे मैं जाओ एंड ग्रोजा खरीद लो भाई, मैं तो बोल रहा हूँ उससे तगड़ी कोई गन ही नहीं है। और शॉर्ट रेंज में विजॉन चलाओ या ट्रोगन चलाओ, कोई भी गन चला लो, मतलब भाई नेक्स्ट लेवल है ये कॉम्बिनेशन, बहुत डेडली है। एंड यहाँ पर तो अभी लास्ट का जोन है, सर्वाइव कर रहे हैं, जैसे आपको पता ही है हमेशा की तरह सर्वाइव भी चलता है। तो अभी सिर्फ बंदों को देखा जा रहा है कहाँ पर है, ओके एक सामने बंदा आ रहा है जोन से, उसको काफ़ी अच्छा डैमेज कर दिया है। एंड अभी देखो यहाँ पर डी से मैं इस तरफ क्यों आ रहे हैं, ताकि पीछे से बंदा कोई आए तो उसको भी मार सके। एंड यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है यार, आप अगर एक साइड पर हो तो ये नहीं देखना कि आप एक ही बंदे से फाइट कर रहे हो, सब तरफ देखो, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी होता है सोलो के अंदर, थर्ड पार्टी से बचना है तो हर तरफ ध्यान देना पड़ेगा। एंड देख सकते हो सामने से बंदा आ ही गया, यहाँ पर भाई देख सकते हो ये वाला बंदा ब्रिज वाले बंदे से फाइट कर रहा है, मतलब ब्रिज वाला बंदा जो उसको काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दे रहा है। एंड अभी यहाँ पर डी से मैं ग्रेनेड मारना शुरू करेंगे, ओके तो पहला ग्रेनेड मारा डैमेज नहीं आया, और बीस्टर्न पैट से कभी कभार दूर ग्रेनेड जाता है और कभी कभार डैमेज आ जाता है, जैसे यहाँ पर 22 का डैमेज आया और यहाँ पर 45 का डैमेज आया, आप देख ही रहे हो। तो यहाँ पर अब देखते हैं गाइस क्या होता है, आगे एक और नेट मार रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके तो नेट तो मारा है, ओ नहीं आया डैमेज, बंदा शायद से कवर में चला गया। एंड अभी देखो दो बंदे की पोजीशन पता चल चुकी है जैसे कि आपको पता है, और एक बंदा ये नीचे वाला जिसको डीसीएमआई ने पहले डैमेज करा था, तो तीनों बंदे की पोजीशन जब आपको पता चल जाए ना तो अब आप थोड़ा ना रिलैक्स भी हो जाते हो, बट भाई वो वाला बंदा यहाँ पर रिलैक्स नहीं करने दे रहा है, अच्छा खासा डैमेज करता है और वहीं से मार रहा था, अच्छा हुआ मेरे को लगा भाई यहीं आ गया। तो यहाँ पर देखते क्या होते हैं, और यहाँ पर डी से मैं यूएवी छोड़ देते हैं और ये वाला बंदा कर देता है नेड, एंड डी से मैं थोड़ा डैमेज होंगे बिकॉज चार लेवल की वेस्ट है, और भाई एंड्रू कैरेक्टर लेके खेलते हैं जिससे थोड़ा वेस्ट का आर्मर पेनिट्रेशन कम हो जाता है, मतलब वेस्ट थोड़ा कम फटती है। यहाँ पर सामने वाला बंदा रहा, और अभी एक बंदा भाई मर चुका है, बात ही बात में देखा ही नहीं कि एक बंदा मर चुका है, दो ही बंदे लाए गए। यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर डिसीजन लिया कि इधर पे कूद गए और ये वाला बंदा मार दिया गई से जो जून से आ रहा था वो दूसरे वाले बंदे ने। देखो इससे क्या हो सकता है कि वो दोनों बंदे फाइट कर लेंगे तो भाई लास्ट का बंदा बचेगा, डीसीएम भाई यहाँ पर भूया कर लेंगे जैसे हमेशा स्ट्रेटेजी रहती है। तो देखते हैं पहले कि ये दोनों फाइट करते हैं या फिर नहीं, और तीन बंदे बचे हैं और देखते हैं क्या होता है। एंड यहाँ तो भाई एकदम लास्ट का जोन आ चुका है और अभी भी सामने दोनों बंदे फाइट कर रहे हैं, तो देखते क्या होता है। ओके तो यहाँ पर फाइट दोनों का चल रहा है, डीसीएम भाई यहाँ पर मेरे हिसाब से नेड मारना चाहिए, तो यहाँ पर नेड मारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सामने वाले बंदे ने उसको मार दिया है। एंड भाई लास्ट के बंदे को डीसीएम भाई हेड मार देते हैं और उसको बना देते हैं सोनिया, एंड यहाँ पर हो जाता है बंदा फिनिश और चार किल के साथ बुहिया कर लेते हैं। तो किसी किसी गेम में आपको सर्वाइव भी करना पड़ता है, थोड़ा गेम को समझना भी पड़ता है, इस गेम को आप बुहिया कर लिया। आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में।